हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे देख सकता हूँ जो कि एक जला हुआ समर्सिबल है। तो इसको दोस्तों कैसे वाइंडिंग करते हैं आज हम आपको दोस्तों पूरा प्रॉपरली बताएंगे, दिखाएंगे, डाटा वगैरह सब कुछ बताएंगे, कितना समय लगता है, क्या रेट हम लेते हैं, ए से लेकर जेड तक सब कुछ इसके अंदर आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो जो कि रनिंग का जो कि कॉल है ना पूरा जल चुका है। तो इसके अंदर जितने भी पुराने वायर है ना सबको अभी दोस्तों हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो जितने भी वायर है ना सबको दोस्तों कटिंग करना पड़ेगा, कटिंग करके बाहर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर जो कि एक लकड़ी मतलब जो कि बांस का काठी इसके अंदर मतलब जो कि एक लकड़ी इसके अंदर फंसा हुआ रहता है ताकि वायर बाहर ना निकले। तो यहाँ पे दोस्तों अभी हम जो कि उसका जो लकड़ी है उसको बाहर निकाल रहे हैं नोज प्लेयर के थ्रू, एंड उसके बाद दोस्तों इसको कटिंग करेंगे, जितने भी वायर है ना सबको बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद दोस्तों हमें इसके अंदर नया वाला इंस्टॉल करेंगे। क्या कुछ इसका गेज वगैरह सब कुछ अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो कि कुछ स्टेप से जो टोटल 24 जो कि लकड़ी इसके अंदर फंसा हुआ है, तो सबको एक एक करते निकाल लेना है। तो दोस्तों हमने जो कि जितने भी वायर था ना मतलब पुराना जितना भी जला हुआ वायर था सबको बाहर निकाल दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो कि इसके अंदर स्लट पेपर भी था जो कि पेपर वगैरह हमने यहाँ पे बाहर निकाल दिया हूँ, जो कि एक बाल्टी के पानी के अंदर इसको मतलब क्लीन कर रहे पेपर को। कोई यदि कटिंग फटिंग पेपर है उसको बाहर फेंक देंगे, एंड जितना भी अच्छा पेपर है सबको इसके अंदर डाल देंगे दोबारा से उसको जो कि हम रीयूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जो कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि नया वाला पेपर हमने इंस्टॉल कर दिया हूँ स्लट पेपर। अभी दोस्तों इसको वाइंडिंग करना चालू करेंगे। तो चलिए इसका डाटा वगैरह भी हम दिखा देते। सो यहाँ पे दोस्तों हमने जो कि ऑलरेडी एक सेट कॉइल बना दिया हूँ यहाँ पे देख सकते हो। तो इसके अंदर दोस्तों 0.6 नंबर का वायर लगता है जो कि एकदम मतलब सबसे कम वायर लगता है, जो कि 600 मतलब लगभग 660 ग्राम लगता है दोनों कॉइल का सेट मिलाकर। यहाँ पे दोस्तों हमने जो कि इसका डाटा लिख के रख दिया अपना डायरी के अंदर। तो चलिए अभी हम इसका डाटा आपको दिखाते हैं एंड बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों रोटर 1 HP समर्सिबल मोटर डाटा, जो कि रोटर इसका ब्रांड का नेम है। 1 HP इसका कैपेसिटर 50 mA 6 A है। यहाँ पे देखो हाथ कितना काला हो गया, बट दोस्तों समर्सिबल मोटर यदि वाइंडिंग करोगे तो हाथ आपका काला हो ही जाएगा। यहाँ पे 24 लॉट और जो कि 120 mm इसका कोर का जो कि थिकनेस है। यहाँ पे देख सो इसका डाटा वगैरह, लेंथ वगैरह, टर्न वगैरह। एंड यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मुझे कॉमन देखने वाला जो कि 0.6 नंबर स्टार्टिंग में भी एंड रनिंग में भी जो कि कॉमन है। एंड इसका जो कि गेज है ना मतलब जो कि टर्न में दोस्तों सेम ही है, जो कि 38, 39, 40 टर्न जो कि सेम ही है। तो जो टर्न निकला है वही हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो देख सकते हो ये दोस्तों स्लड में आपको दिखा देता हूँ कुछ इसका मतलब, थोड़ा आपको बता देता हूँ कौन सा गड्ढे के अंदर कौन सा कॉइल आपको जाएगा। जैसे कि डाटा में मेंशन है जो कि इसका पीछे 8, 10, 12 जो कि किसी भी गड्ढे से आप शुरू कर सकते हो, मान के चलिए ये वाला गड्ढे से। यहाँ पर दोस्तों रनिंग का सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 8, 10, 12 ये वाला गड्ढे से दोस्तों किसी भी गड्ढे से शुरू कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला दोस्तों आपका जो कि छोटा वाला गड्ढा मतलब 1 से 8 वाला पीस छोटा वाला कॉइल जाएगा। इस 1 से 10 वाला जो कि ये वाला गड्ढे के अंदर, 1 से 12 वाला ये वाला, एंड इसका ठीक ऑपोजिट साइड में जो कि फोल्ड हो जाएगा इधर से ये वाला गड्ढा। यदि आप गिनोगे यहाँ से आप 2 स्लट छोड़ देना, उसके बाद जो भी स्लट रहेगा तीसरे स्लट के अंदर, तीन कॉइल है यानी तीसरा स्लट 4 कॉइल होगा, तो 4 स्लट वहाँ से आप शुरू कर सकते, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इधर से यदि आप काउंटिंग करो तब भी आपका 1, 2, 3 आएगा। तो इस टाइप से दोस्तों रनिंग का जो कि आपको डालना है, एंड स्टार्टिंग का दोस्तों जो कि बीच में इसका 6 गड्ढा है, 6 कॉइल है स्टार्टिंग का भी, मतलब 2 सेट है 6 कॉइल है, उसका दोस्तों 1 से 8 आपको ऑटोमेटिक निकल आएगा, 1 से 10 भी मतलब इसके अंदर ऑटोमेटिक निकल आएगा, 1 से 12 इस टाइप से भी आपको इंस्टॉल करना है। तो चलिए प्रॉपरली कैसे करना है ना मैं अभी आपको बताता हूँ, करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे दोस्तों हमने मोटर को कुछ टेबल के ऊपर इस टाइप से रख दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमने कॉइल को ऑलरेडी टेस्ट कर दिया हूँ कि कॉइल हमारा बॉडी शॉर्ट तो नहीं है। तो ये दोस्तों इसके अंदर जो कि छोटा इसे स्लट पेपर इसके अंदर डालना है। इसको डालने का जो रीज़न है ना, जो कॉइल हमारा जो कि स्क्रैच ना हो, तो यहाँ से दोस्तों आपको गिनना है 1 से आपका 8 वाला पिच कौन सा आएगा। हम जो कि एक नॉर्मली किसी एक गड्ढे के अंदर इसको डाल दिया हूँ, यहाँ से अभी हमें गिनना है 1 से 8 वाला पिच कौन सा आता है। जैसे कि यहाँ से हम गिन रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाला पिच आता है। तो इसके अंदर इसको मतलब जो कि स्लट पेपर को इसको अपना मतलब सेफ्टी पेपर को इसके अंदर अभी हम डाल रहे हैं। डालने के बाद दोस्तों जितने भी वायर है ना सबको ईजिली इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर जो कि अभी हम इसको खोलेंगे, सबसे पहले जो छोटा वाला कॉयल है उसको यहाँ पे इसको खोल लेता हूँ। खोलने का दोस्तों
इजीली इसको लेफ्ट हैंड की तरफ हम एक इसका लीड रखेंगे। सबसे पहले इसको खोलना है, खोलेंगे दोस्तों कुछ स्टेप देख सो, लेफ्ट हैंड की तरफ आपको इसका लीड रखना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला स्टार्टिंग वाला जो वायर है ना, हम लेफ्ट हैंड की तरफ रख रहे, आप चाहे तो राइट हैंड की तरफ भी रख सकते हो, बट जिस साइड अभी अगर आप रखोगे ना उसी साइड से जो कि सब मतलब ये रनिंग का एक सेट, रनिंग का दोनों सेट उसी तरफ रखना पड़ेगा, स्टार्टिंग का भी उसी तरफ रखना पड़ेगा। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा जो कि कॉइल को भी हम डालेंगे, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है जो कि यहाँ पे हमें दोस्तों जो कि ब्लैक टेक लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो कि कॉइल स्क्रैच हो सकता है। तो सबसे जो कि इसका साइड में ना जो कॉर्नर है यहाँ पे ब्लैक टेप लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कि टच होकर जो कि हमारा प्लास्टिक का पीवीसी जो कि स्क्रैच इंसुलेशन जो कि स्क्रैच हो सकता है, स्क्रैच हो जाएगा तो हमारा बॉडी शॉट हो जाएगा। एंड अंदर भी हमने जो कि एक 5 नंबर का पेपर लगा दिया हूँ। तो चलिए अभी जो कि छोटा वाला कॉइल डाल के अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा छोटा वाला कॉइल डाल दिया हूँ, देख सकते हो टेप भी लगा दिया हूँ। यहाँ पे जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा वायर लीड है, बीच में दोस्तों हमारा जो कि 6 वाला गड्ढा जो कि ऑलरेडी गैपिंग है। अरे दोस्तों इससे बड़ा वाला जो कॉइल है ना, इसके बगल वाला गड्ढे के अंदर हमें डालना है जो कि ये वाला कॉइल। तो चलिए सबसे पहले जो धागा है ना इसको खोल लेता हूँ। यहाँ पे खोलने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ जो कि एंडिंग वाला वायर, देख सो यहाँ पे जो कि राइट हैंड की तरफ जो कि हमारा निकला है छोटा वाला कॉइल का ये वाला लीड, ये दोस्तों इसे फोल्ड होके लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा, ये वाला लीड लेफ्ट हैंड जो स्लड है ना इसके अंदर जाएगा इस टाइप से, ठीक है। तो चलिए अभी इसको दोस्तों आराम से जो कि गड्ढे के अंदर हमें थोड़ा इसे चिपटा कर लेना है, करने के बाद जो कि स्लड के अंदर इसको डालना है। तो देख सकते हो कुछ स्टेप से थोड़ा जितना चिपटा करोगे उतना बढ़िया जाएगा। एंड दोस्तों आपको थोड़ा सेफ्टी ध्यान रखना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम यदि आप कर रहे हो तो आपका जो कि वायर स्क्रैच होके जो कि लीकेज हो सकता है, यदि कहीं से भी एक जगह पे लीकेज हो गया तो आपका वाइंडिंग पूरा बेकार हो जाएगा। तो थोड़ा सेफ्टी लेकर आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए जो कि हम इसके अंदर जितने भी वायर ना सबको पतला करते हुए इसके अंदर गड्ढे के अंदर डाल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा पतला करके इसी टाइप से आपको धक्का देना है। तो यहाँ पे जैसे कि अभी हम डाल रहे हैं देख सकते हो, थोड़ा आराम से धीरे धीरे रखना पड़ेगा दोस्तों, टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है। फर्स्ट टाइम यदि करोगे आपको लगभग एक ऐसे सबमर्सिबल 1 HP का बनाने में 2 दिन लग जाएगा फर्स्ट टाइम यदि आप करोगे तो। एंड करते करते दोस्तों जो कि आपका थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, 1 दिन भी नहीं लगेगा, आपका कम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी हम दोस्तों इसके अंदर जो कि जितने भी वायर है ना सबको धीरे धीरे करते हुए हाथ के मदद से इस टाइप से डाल रहे हैं। अभी दोस्तों हम जो कि इसको अभी देख सकते हो, ये मान के चलिए ये हमारा इवनिंग में आया है, तो इवनिंग में इसको खोल के अभी इसका जो पेपर वगैरह सब कुछ नया डाल दिया हूँ। रात में दोस्तों 8 बजे तक काम करूँगा, सुबह जो कि 12 बजे के अंदर इसको फाइनल कर दिया हूँ। तो कैसे किया हूँ चलिए वीडियो में बने रहना। यहाँ पे दोस्तों अभी हम बड़े वाला कॉइल को डालेंगे, जैसे इसके अंदर सेफ्टी पेपर ऑलरेडी डाल दिया हूँ। अभी दोस्तों जो बांधा हुआ है इसको खोल लेना है, खोलने के बाद कुछ इस टाइप से चिपटा करना है, चिपटा करने के बाद सिंपल से स्टेप से आपको धक्का लगाना है, देख सकते हो दोनों तरफ से इस हाथ को पकड़ना है। ये दोस्तों मैं दिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा इस स्टेप से कर रहा हूँ, यदि नहीं दिखाऊंगा तो आपको जैसे नॉर्मली इंडक्शन मोटर वाइंडिंग करता हूँ या फिर मोटर वाइंडिंग आप करते हैं उस टाइप से इसको डालना है। तो चलिए सबसे पहले देख सकते हो कुछ स्टेप से आराम से चला जाएगा दोस्तों, कोई उतना ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट होता है, बट फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऐसे थोड़ा बहुत दिक्कत क्रिएट होगा, जैसे मुझे भी हुआ था फर्स्ट। अभी जो कि बहुत इजीली मैं कर पाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो कि कुछ स्टेप से देख सकते हो बहुत ही आराम से जा रहा है ना गड्ढे के अंदर एकदम ईजिली। अभी दोस्तों इसके अंदर का जो कि पेपर है एक साइड हम निकाल लेंगे, उसके बाद जितने भी वायर है ऊपर उसको दोस्तों लकड़ी की मदद से, बाँस की लकड़ी की मदद से इसको गड्ढे के अंदर डालेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे अभी दोस्तों देख सकते हो जो कि 95% वायर दोस्तों अंदर चला जाता है और बाकी चार पाँच वायर ही गड्ढे के ऊपर रहता है। उसको दोस्तों सिंपल से आपको डालना है लकड़ी की मदद से, उसका जो जो पेपर है ना इसको बाहर निकाल देना है, जो कि हमारा कंप्लीट हो गया डालना। अभी 1-2 वायर शायद ऊपर जो कि उठा हुआ है मतलब जो कि नहीं गया है, उसका उसके अंदर दोस्तों लकड़ी डालना है। देख सकते हो जो कि हमने ऑलरेडी एक सेट कम्प्लीट कर दिया हूँ, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ईजिली हो गया, जो कि जितना मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, जो कि हम बोले थे आज 8 बजे तक ही काम करेंगे जो कि 8 बज गया। तो एक सेट कंप्लीट है दोस्तों, अभी दूसरा सेट हम डालेंगे सुबह जो कि जस्ट 1 सेकंड बाद जो कि मॉर्निंग हमारा हो जाएगा। ऐसे तो नेक्स्ट कॉइल अभी हम बना लेते जो कि स्टार्टिंग का सॉरी रनिंग का 2 सेट, देख सकते हो सुबह हो गया जो कि रनिंग का हमने 1 सेट ऑलरेडी बना दिया हूँ। अभी दोस्तों इसको किस स्टेप से आपको काउंटिंग करना है, इसका ऑपोजिट साइड में जो कि कॉइल आएगा यहाँ सब गिन सकते हो 1 2 3 कॉइल है मतलब 1 2 3, ये वाला गड्ढे के अंदर पेपर को आपको डालना है। हाँ सिंपल सा इस साइड से भी आपको 1 2 3 आपको गिन लेना है, देख सकते हो 1 2 3 गिन के मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो कि पेपर को डाल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे गिन सकते हो 1 2 3, बीच में इधर से गिन सकते हो 1 2 3 आपका आएगा। एंड बीच में दोस्तों आपको जो कि 6 गड्ढा फाँका रहेगा
वो आपको गिन के भी आप पता कर सकते हो, नहीं गिनोगे तब भी आपका जो कि छः ही गड्ढा आएगा। ठीक है दोस्तों, अभी जो कि कॉइल को थोड़ा इस स्टेप से आपको चिपटा कर लेना है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड अभी जो कि पेपर का जो कि थोड़ा मतलब इसके जो बीच में ना, दोनों पेपर के बीच में इसको डालना है, देख सकते हो कुछ स्टेप से। अभी हम जैसे डाल रहे एकदम ईजिली चला जाएगा। एंड डालेंगे और देख तो देखो 95% चला जाता है, थोड़ा बहुत और जो कि ऊपर रह जाता है उसको दोस्तों हम जो कि बांस का लकड़ी की मदद से इसके अंदर इजीली प्रेस करते हैं, यानी डालते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि रनिंग के एक से डाल दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कि लेट देख सकते हो जो कि हमने लेफ्ट हैंड की तरफ ही निकला है, जो कि हमने ऊपर वाला भी जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ निकाला था। अभी दोस्तों जो कि नेक्स्ट कॉइल जो कि डालना है, तो यहाँ पे जो कि ऑलरेडी बांधा हुआ ये वाला वायर देखना है दोस्तों, जो कि इस साइड से इस साइड है, यानी लेफ्ट राइट हैंड की तरफ से लेफ्ट हैंड आपका आएगा आना चाहिए। अभी नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर आपको सिंपल सा इस टाइप से डालना है। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो कि हमने मतलब सेफ्टी पेपर इसके अंदर नहीं डाला था, अभी हम डाल दिया हूँ। अभी दोस्तों कॉइल को इसके अंदर लगाना है यानी डालना है। तो देख सकते हो एकदम ईजिली अभी चला जाएगा, देख सकते हो कुछ ही टाइप से आपको सेफ्टी पेपर डालना है, उसके बीच में इसको फंसाना है। फंसने का दोस्तों इतना बहुत ही आराम से चला जाएगा कॉइल का। दोस्तों रिंग साइज़ जो कि बड़ा रहेगा ना, तो आसानी से मतलब बहुत ही इजीली स्लड के अंदर जाता है। रिंग साइज़ यानी जो कि मोटाई मतलब गोलाई यदि नहीं होगा, चैप्टर रहेगा तो स्लड के अंदर नहीं जाता है। यदि गोलाई रहेगी जो थोड़ा बड़ा रहेगा ना, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिक जो कि स्लड के अंदर आ जाता है, क्योंकि वायर का थोड़ा टेंशन रहता है, मतलब जो कि थोड़ा स्प्रिंग टाइप का जो कि काम करता है। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों जो कि कॉइल का थोड़ा रिंग टाइप का बनाओगे ना तो बढ़िया रहेगा, स्लड के अंदर ईजिली आ जाएगा। तो देख सकते हो कि हमने एक साइड ऑलरेडी डाल दिया हूँ, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर फंसा हुआ है वायर मतलब उसको दोस्तों जो लकड़ी है ना उसके मदद से थोड़ा थोड़ा करते इसके ऐसे ऐसे मतलब धक्का लगाना है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि आ गया थोड़ा बहुत है, तो अभी हम जो कि कर रहे ठीक है, जो लकड़ी है ना उसके मदद से थोड़ा थोड़ा करते हुए इसको मतलब डालना है। एंड उसके बाद जो कि यदि चला जाएगा उसका जो कि इसके अंदर जो कि हमने सेफ्टी पेपर डाला था उसको बाहर निकाल लेना है। तो चलिए सबसे पहले जो कि इसके अंदर जो कि और देख सकते हो रह गया है, कैसे मैं अभी कर रहा हूँ आपको भी ऐसे कर लेना है। देख सकते हो कुछ ही टाइप से आपको डालना है एंड सेफ्टी पेपर को बाहर निकाल लेना है। एंड दो कि कुछ वायर ऊपर उठ गया है उसको दोस्तों आपको जो लकड़ी है ना इसके मदद से आपको थोड़ा आराम से पेश आना है, ताकि आपका वायर कहीं से स्क्रैच ना हो। हम दोस्तों थोड़ा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड किया हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा मतलब जो कि सेफ्टी का चीज़ ध्यान नहीं देखने को मिलेगा, बट समरसेबल के अंदर सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद आपका काम आता है। सेफ्टी यदि नहीं करोगे मतलब वायर का प्रोटेक्शन यदि आप नहीं करोगे तो आपका वायर जो कि लीक हो जाएगा, लीक हो जाएगा तो आपका वाइंडिंग आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगा। तो चलिए जो कि एक साइड हमने डाल दिया, अभी दूसरा साइड इसको डालना है। देख तो बहुत इजीली चला आएगा, देख तो आ गया। अभी दोस्तों इसके अंदर जो कि सेफ्टी पेपर को बाहर निकाल लेना है। अभी देख तीन चार वायर आपका ऊपर है, इसको लकड़ी की मदद से दो तीन बार ऐसे खींचना है, ऑटोमेटिक जो कि देख सकते हो आ गया अपनी जगह पे सब वायर। अभी इसके अंदर जो कि हमें इसके अंदर जो कि लकड़ी डाल के पैकिंग कर लेना है, तो एक भी वायर जो कि हमारा बाहर निकल नहीं आएगा। लकड़ी दोस्तों हमारा वायर को अंदर रहने में, स्लट के अंदर रहने में मदद करता है। अभी दोस्तों जो कि लेस्ट मतलब बड़ा वाला सेट डालना पड़ेगा, लास्ट सेट ये वाला। यदि कॉइल अभी हम डालेंगे तो हमारा रनिंग का एक दोनों सेट में मतलब रनिंग कॉइल कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जो कि हमारा 50% ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। अभी इसके अंदर दोस्तों हम जो कि ये वाला जो कि सेफ्टी पेपर डाल रहे, यहाँ पे देख सकते हो इस साइड और इस साइड, ये दोस्तों बड़ा वाला कॉइल है ना एकदम आसानी से चला जाएगा। इससे मतलब इससे आसान कुछ भी नहीं है, इतना जल्दी इतना फास्ट हो जाता है। देखिए वीडियो में बने रहना, बहुत ही इजीली चला जाएगा। देख तो इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूँ, थोड़ा इसे चिपटा कर लेना है। जितना चिपटा करोगे तो दोस्तों उतना जल्दी उतना फटाफट जो कि आपका कॉइल स्लड के अंदर आ जाएगा। देख सकते हो मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ। मैं दोस्तों इसको वाइंडिंग करने में लगभग मेरा 2 घंटा लगा है, एंड वीडियो में क्रिएट किया हूँ 2 घंटा, उसका इसको एडिट करके मैं आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट यानी आधा घंटे के अंदर आपको मैं दिखा रहा हूँ। आप यदि फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 1 से 2 दिन लग जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको उतना मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हो दोस्तों जो कि इजीली अपने गड्ढे के अंदर आ गया। अभी पैकिंग सेफ्टी पेपर को बाहर निकाल दिया हूँ। अभी जैसे कि 2-3 वायर ऊपर फंसा हुआ है, इसको लकड़ी की मदद से इसे ढालना है। देख सकते हो आ गया। अभी इसके अंदर जो कि लकड़ी डाल के मतलब वायर को सील कर देना है, मतलब जो कि जितने वायर ना सबको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत जो कि यहाँ पे उठा हुआ है इसको थोड़ा दबा लेता हूँ, नहीं तो हमारा लकड़ी जो कि अंदर नहीं जा पाएगा, मतलब अच्छे से नहीं जा रहा है। तो जो कि हमने दबा दिया हो तो अभी जो कि अच्छे से जा रहा है, देख सकते हो जो कि एक साइड हमारा कंप्लीट है। मैं थोड़ा इसको दबा लेता हूँ तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक साइड, देख सकते हो एक साइड कंप्लीट। अभी दूसरा साइड जो कि अभी हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो कि चला गया ऑटोमेटिकली। अभी सेफ्टी पेपर को मतलब जो स्लट पेपर को बाहर निकाल लेता हूँ बड़ा वाला को, तो कंप्लीट तो हो गया। अभी इसके अंदर पैकिंग पेपर लगाना है, देख सकते हो।
सो फाइनल जो कि कंप्लीट हो गया। अभी हमें जो कि थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जो कि जितने भी वायर है ना सबको मतलब डालना है, जैसे डालना तो हो गया, अभी इसके अंदर लकड़ी जो कि फंसाना है, तो जो कि हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों ऑनली जो कि 600 ग्राम वायर लगता है, तो देख सकते हो तो कंप्लीट है। तो अभी दोस्तों इसके अंदर थोड़ा हमें जो कि लकड़ी की मदद से कुछ हिसाब से सिर्फ लाना है, मतलब कॉइल को जो कि अपने जगह पर लाना है, मतलब फिनिशिंग थोड़ा कर लेना है। फिनिशिंग यदि करेंगे तो हमारा नेक्स्ट कॉइल एकदम आराम से चला जाएगा, उसका जो कि स्टार्टिंग वाला भी आराम से चला जाएगा। तो चलिए देख सकते हो जो कि हमारा एक सेट कंप्लीट है। अभी दोस्तों हम जो कि नेक्स्ट कॉइल डालेंगे स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग है दोस्तों इसका जो बगल वाला जो स्लड है ना उसके अंदर ही हमें डालना है। जैसे कि मैं आपको इसके अंदर सेफ्टी पेपर डाल रहा हूँ, आप देख सकते हो कौन सा गड्ढा है। रनिंग का जो 8 नंबर वाला कॉइल गया है उसके बगल वाले के अंदर आपको स्टार्टिंग का 8 नंबर वाला कॉइल आएगा ईजिली। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर जो कि पेपर को फोल्ड कर दिया हूँ, इसको थोड़ा डालना है सेफ्टी पेपर को। उसके बाद कॉइल है ना इसको खोल लेना है, खोलने का थोड़ा चपटा करना है, चपटा करने के करके उसके बाद जो कि स्लॉट के अंदर इसको आराम से डालना है। सो यहाँ पे देख सकते हो जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा लीड है, जैसे कि रनिंग का भी हमने लेफ्ट हैंड की तरफ रखा हूँ, स्टार्टिंग का भी लेफ्ट हैंड की तरफ रखना है। यदि आप राइट हैंड की तरफ रख रहे हो सबको राइट हैंड की तरफ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका आपका मर्जी, आप कैसे भी करके रख सकते हो। तो सिंपल सा दोनों वायर का जो दोनों पेपर का जो बीच में ना इसको कॉइल को फंसाना है, उसका जो कि ईजिली आपको इसे धक्का लगाना है। देख सकते हो जो कि हमारा एक साइड तो चला गया आराम से, दूसरा साइड जो कि थोड़ा मतलब नहीं जा रहा है, तो वो भी जो कि हम मैनेज करके स्लॉट के अंदर डाल देंगे। देख सकते हो जो कि एक साइड तो हमने कंप्लीट कर दिया हूँ जो किसी कि चला गया था। अभी दूसरा साइड जो कि हम मतलब जो लकड़ी है ना उसके मदद से थोड़ा थोड़ा करते हुए कॉइल को अपने स्लॉट के अंदर अपनी जगह पर ला रहे हैं, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी टाइप से यदि ये वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। सो यहाँ पे देख सो जो कि गड्ढे के अंदर कंप्लीट हो गया, मैं इसके अंदर जो लकड़ी है ना उसको डाल देता हूँ। एकदम आसान है, आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमने एक सेट कंप्लीट करते हैं, इसका बगल वाला गड्ढे के अंदर हमें सेफ्टी पेपर लगाना है। बगल में दोस्तों हमारा जो कि 8-10 वाला पिच आता है, तो इसका जो बड़ा वाला है ना वो आएगा 1-8 वाला पिच, एंड 1-12 वाला पिच के अंदर जो कि हमारा बड़ा वाला कॉइल। कॉइल का लेंथ वगैरह डाटा वगैरह ना मैं सब कुछ डायरी के अंदर लिख के रखा था, मैं आपको दिखा दिया था बट नहीं बताया हूँ। आप चाहे तो उसको स्क्रीन शॉट ले सकते हो या फिर दोबारा से आप देख सकते हो उसको। तो चलिए दोस्तों इसका कनेक्शन वगैरह भी मैं आपको बताऊँगा को किस टाइप से आपको करना है, उल्टा घूमेगा या सीधा घूमेगा कैसे करना है, तो सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अभी नेक्स्ट कॉइल है ना इसको इसके अंदर अभी डालना है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको चिपटा कर लेना है कॉइल को, चिपटा करने का तो आराम से जो पेपर के बीच में इसको फंसाना है, उसके बाद इसको धक्का लगाना है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस टाइप से आपको भी कर लेना है, देख सकते हो बहुत ही ईजिली आ चुका है। यहाँ पे दोस्तों अभी हम जो कि हमारे यहाँ पे 1 HP का जो कि मोटर वाइंडिंग करके ले रहे 3000 या फिर 2700-800 ऐसे, तीन मतलब मान के चलो अंडर मतलब 3000 के अंदर, ठीक है। एंड आप वहाँ पे क्या आपके वहाँ पे क्या रेट चल रहा है आप कमेंट करके बताना। एंड दोस्तों इसको जो कि वाइंडिंग करने का जो टाइमिंग है, जैसे कि मैं बताया हूँ आपको 2 घंटा लगा है मुझे इसको वाइंडिंग करके कंप्लीट करने में। जैसे कि मुझे मतलब A to Z कंप्लीट करने में मान के चलिए आपका सुबह से लेकर दोपहर तक लग गया, ठीक है, मतलब A से लेकर Z तक करने में। तो अभी हम दोस्तों जो कि जितने भी वायर ना सबको डाल लेते हैं धीरे धीरे करते हुए। देख सकते हो जो कि स्टार्टिंग का दो कॉइल चल रहा है, स्टार्टिंग का जो कि टोटल 6 कॉइल है, मतलब 2 सेट है 6 कॉइल का। तो जो स्टार्टिंग का जो कि 2 कॉइल का जो कि मतलब दूसरा नंबर कॉइल अभी अब चल रहा है उसका जो कि ईजिली जो कि अब और 4 कॉइल डालने से हमारा बाइंडिंग कम्प्लीट हो जाएगा। तो देख सकते हो एक साइड कंप्लीट है, अभी दूसरा साइड दोस्तों देख सकते हो ऐसे, जैसे कि हमें इसके अंदर सेफ्टी पेपर बाहर निकाल दिया हूँ ऑलरेडी। अभी जितने भी वायर ना सबको धीरे धीरे करते हुए जो बांस का लकड़ी है इसकी मदद से धीरे धीरे 1-2-3 वायर करते हुए इसके अंदर डालना है। देख थोड़ा आराम से करना है, एंड इतना भी दोस्तों नाजुक नहीं होता है समर्सिबल वायर, जैसे कि आप हम जैसे कि आपको बता रहे मैं देखा हूँ उतना भी नाजुक नहीं है ये सब। दोस्तों मैं बहुत ही ईजिली मतलब लकड़ी की मदद से कर रहा हूँ, उसका चेक किया हूँ, चेक करके आपको दिखाऊंगा वाइंडिंग किस टाइप से चेक करना है या वाइंडिंग सही है या फिर नहीं है। तो जैसे कि देख सकते हो दूसरा कॉइल कंप्लीट है, अभी तीसरा कॉइल जो कि यहाँ पे इसका जो बगल वाला जो गड्ढा है उसके अंदर हमने सेफ्टी पेपर डालना है। डालने का दोस्तों इसके अंदर जो कि बड़ा वाला कॉइल है ना उसको डालना है। तो चलिए सबसे पहले सेफ्टी पेपर आपको देख लेना है जो कौन सा गड्ढा है, ये वाला बगल वाला गड्ढा, तो इसके अंदर आपको डालना है 1-12 वाला पिच आ जाएगा। सो यहाँ पे सिंपल सा जो कि कॉइल को थोड़ा सेव लाना है, ये वाला जो देख सकते हो लीड जो कि हमारा आउटर वाला मतलब जो कि आउटर वाला जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ से राइट हैंड की तरफ जाएगा। हमें दोस्तों कॉइल को थोड़ा चिपटा करना है एंड गड्ढे के अंदर मतलब पेपर के अंदर इसे फंसाना है। फंसाने के बाद जैसे कुछ ही जब से आपको डालना है, देख सकते हो आराम से
एकदम इजीली चला जाएगा देख सकते हो पेपर, जो कि मतलब स्लट के अंदर एक साइड चला गया है एंड एक साइड थोड़ा मतलब ऊपर थोड़ा अंदर गया है, तो कोई दिक्कत नहीं। हम एक साइड से मतलब है, दूसरा साइड अभी हम मेहनत करके यानी लकड़ी की मदद से उसको डालेंगे, ठीक है। तो चलिए जो कि एक साइड हो गया देख, तो सेफ्टी वायर बाहर डाल दिया, निकाल दिया हूँ। अभी इसके अंदर लकड़ी डाल देना है, मतलब जो कि वायर बाहर ना निकले। इसके अंदर दोस्तों हम जो कि पैकिंग पेपर नहीं लगा रहे, क्योंकि कंपनी नहीं लगाते फर्स्ट एंड सेकंड। दोस्तों पैकिंग पेपर की वजह से हमारा लकड़ी उतना मतलब अच्छे से नहीं जा पाता है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसलिए दोस्तों हमने जो कि इसके अंदर डायरेक्ट ही लकड़ी डाल रहे हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों लकड़ी यदि टूट जाता है बीच में से, तो अब जो कि दूसरे साइड से आप इस टाइप से डाल सकते हो ईजिली। एंड नहीं जा रहा है तो आप ये वाला लकड़ी है ना, इसके मदद से थोड़ा प्रेस कर दीजिए, धक्का लगाइए, तो आपका जो कि जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे कि हमने एक साइड से मतलब था, दूसरे साइड से मतलब नहीं था, तो देख सकते हो जो कि थोड़ा बहुत जो कि बाहर है 50%, तो सबको हम लकड़ी की मदद से कुछ टाइप से डाल लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही आसानी से बहुत ही ईजिली हो जाएगा, उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। यहाँ पर दोस्तों गड्ढा बहुत ही मतलब बड़ा रहता है और वायर थोड़ा कम रहता है, तो इसलिए समर्सिबल मोटर वाइंडिंग करने में थोड़ा आसानी होता है। यदि गड्ढे के अंदर टाइट फिट आएगा तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, बट समर्सिबल के अंदर ऐसे प्रॉब्लम कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि वायर कम रहता है गड्ढा बड़ा रहता है इसलिए। सो यहाँ पे दोस्तों जो कि हमने सेफ्टी पेपर बाहर निकाल दिया हूँ, यहाँ पर जितने भी वायर ना सबको थोड़ा थोड़ा करते इसके अंदर डालना है, ठीक है। एंड दोस्तों हम बनाने के बाद 6 मंथ का वारंटी भी देते, जो कि इतना जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, जो कि समर्सिबल मोटर पानी के अंदर रहता है ना, जो कि इतना ज़्यादा हीटिंग नहीं हो पाता है, क्योंकि अंदर भी पानी रहता है एंड बाहर भी पानी है, तो इसलिए मोटर जो कि गर्म नहीं होता है। एंड समर्सिबल मोटर का वायर का दोस्तों अभी फ़िलहाल रेट चल रहा है जो कि डाउन सीजन है, यानी बहुत ही सस्ता हो चुका है वायर का रेट, जो कि ऑलमोस्ट आपको 850 या फिर 830 के अंदर या फिर 860 के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब जगह के ऊपर रेट होता है, तो इसलिए मैं आपको 2-3 रेट बता दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमने जो कि दूसरा कॉइल का मतलब दो सेट रहता है, दो सेट का दो कॉइल डाल दिया हूँ। अभी तीसरा कॉइल जो कि लास्ट कॉइल हमें यहाँ पे डालना है, यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक एक गड्ढा ही अभी बचा हुआ है, तो सिंपल से इसके अंदर सेफ्टी पेपर लगाना है। एंड इसके अंदर दोस्तों दूसरे साइड भी सेफ्टी पेपर लगाना है। एंड पेपर को देख सकते हो, कॉइल को कितना जल्दी मैं आपको करके दिखाता हूँ, आप देखना ये वाला थोड़ा फोकस करके देखना, आप इस स्टेप से ये वाला थोड़ा ध्यान से देखिए, आपको भी ऐसे करना है तो आप इजीली कर पाओगे। देख सकते हो सबसे पहले कॉइल को थोड़ा स्टेप से आपको सेव लाना है, आउटर वाला थोड़ा ध्यान देना है, ये वाला जो कि इस साइड में आना चाहिए, एंड कॉइल को थोड़ा ऐसे चपटा करना है। एंड जैसे चपटा कर रहा हूँ ऐसे चपटा करके दोस्तों पेपर के जो बीच में ना इसको कुछ स्टेप से फंसाना है, पेपर के जो यदि बीचों बीच में या किसी गड्ढे के बीचों बीच में यदि इसको फंसाओगे ना, तो आपका इजीली स्लट के अंदर ये चला जाएगा। यदि नहीं फंसाओगे इजीली तो मतलब चला तो जाएगा लेकिन गड्ढे के अंदर नहीं आएगा। यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक साइड कंप्लीट हो गया, अभी दूसरा साइड के बाद जो कि सेफ्टी पेपर अभी हम बाहर निकाल लेते हैं उसका, जिसके अंदर जो कि देख सकते हो सेफ्टी पेपर बाहर निकाल लेते हैं। अभी एक दो वायर ऊपर उठा हुआ है, उसको थोड़ा गड्ढे के अंदर डालना है एंड उसका जिसके अंदर लकड़ी मतलब डाल देना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि चला गया सब वायर, अभी लकड़ी इसके अंदर डालना है। लकड़ी दोस्तों हम पुराना वाला लगा रहे हैं एंड कुछ कुछ जो कि टूट गया है उसको हमें नया वाला लगा रहे हैं, क्योंकि पुराना वाला उतना ख़राब नहीं होता है, यदि टूट जाता है तो हम रिजेक्ट करके नया वाला इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हो जो कि एक साइड कंप्लीट है, अभी दूसरे साइड अभी हमें डालना है। देख सकते हो बहुत ही ईजिली कितना समय लगा, 2 मिनट के अंदर एक साइड कंप्लीट है। एंड अभी दूसरे साइड का बारी है, दूसरे साइड में दोस्तों आपको सेम उसी टाइप से थोड़ा बहुत जो कि पेपर के अंदर मतलब स्लॉट के अंदर गया है, थोड़ा बहुत नहीं गया है, तो उसको दोस्तों लकड़ी में से धक्का लगाना है। धक्का लगाने के बाद ऑटोमेटिक जो कि आ जाएगा कुछ इस टाइप से, कैसे धक्का लगाना है देख सकते हो। यहाँ पर लंबा सा आपको लकड़ी लेना चाहिए, जैसे कि अभी हम ले रहे हैं, तो सिंपल सा स्टेप से आपको थोड़ा जो कि जो पेपर के मतलब जो कि स्लट के बारे ना सबको धीरे धीरे करते इसके अंदर लाना है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो जो कि कंप्लीट हो गया, मतलब जितना भी वायर था ना सबको मैं इसके अंदर डाल दिया हूँ। अभी जो लकड़ी है इसके अंदर अभी इसको डाल देते हैं, तो डालने से दोस्तों हमारा जो कि कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे जो कि थोड़ा उठा हुआ है, मतलब एक साइड से तो चला गया, दूसरे साइड थोड़ा मतलब नहीं जा रहा है, तो काठी को थोड़ा हम धक्का मारेंगे अभी, जो कि अपने अंदर चला जाएगा, मतलब अपने जगह पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो कि हमारा कम्प्लीट हो गया स्टार्टिंग एंड रनिंग का वाइंडिंग। अभी दोस्तों इसका कनेक्शन बारी है, वाई कनेक्शन से पहले दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सेव कर लेते हैं। यहाँ पर देख दो बहुत ही अच्छे से हो गया ना, इसके अंदर रोटर ईजिली चला जाएगा, अभी तो बांधना अभी बाकी। यहाँ पे दोस्तों अभी हम जो कि इसके अंदर टोटल रनिंग का 2 कॉइल एंड स्टार्टिंग का 2 कॉइल, तो 4 कॉइल होता है, चारों कॉइल का दोस्तों एक एक वायर हमने यहाँ पे कॉमन कर दिया हूँ। यहाँ पे दोस्तों अभी हम चेक करेंगे, इसलिए इसको ज्वाइंट किया हूँ, ठीक है, बाकी जो वायर ना उसको बाहर ऐसे छोड़ दिया हूँ। अभी दोस्तों इसको सिंपल सा एक बाल्टी के अंदर पानी के अंदर इसको देख तो डुबा दिया हूँ, अभी इसको चेक करना है। देख तो एक प्लग जो कि हमने कॉमन वाला वायर के अंदर लगा हूँ, एक प्लग दोस्तों हमने
पानी के अंदर। अभी दोस्तों मल्टी दोस्तों हमारा मेगर है, मेगर के थ्रू इसको चेक करेंगे, देख सकते हो जो कि हमारा मोटर बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं है, यानी वाइंडिंग हमारा 100% सक्सेसफुल हो चुका है। अभी दोस्तों इसका वायरिंग कैसे करते हैं, वायरिंग करना पड़ेगा, तो वायरिंग कैसे करते हैं उसका डायग्राम अभी इसके अंदर थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। इसका डायग्राम के थ्रू मैं अभी आपको समझाता हूँ कि स्टेप्स इसका वायरिंग करना है। तो चलिए चलते हैं मोटर को लेकर अपने डायग्राम की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अभी दोस्तों हम आपको इसका कनेक्शन डायग्राम दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जो कि दो कॉयल बना हुआ, यहाँ पे देख सकते हो जो कि 24 से जो बिंदु दिख रहा है ना, ये जो कि स्लड है। तो यहाँ पे दोस्तों ये रनिंग का है कॉयल, दो कॉयल डाला हुआ है यहाँ पे स्टार्टिंग का, जो कि ब्लैक कलर का हमने मार्किंग किया हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो कि इसका अपोजिट जो कि कॉयल के साइड में, उतना परफेक्टली आपको नहीं बना पाया हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए इसको बनाया हूँ। तो सिंपल सा दोस्तों जो कि रनिंग का जो कि आपको चार वायर देखने को मिलेगा एंड स्टार्टिंग का भी चार वायर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रनिंग का दोस्तों आपको जैसे कि हम बोले थे लेफ्ट हैंड की तरफ से जो छोटा वाला कॉल से निकला ये वाला वायर, एंड ये दोस्तों दूसरा कॉल का जो कि इधर से देख सकते लेफ्ट हैंड की तरफ ये वाला जो कि हमारा वायर निकला है, ठीक है। अभी दोस्तों हमें जो कि कनेक्शन करना है, ज्वाइंट करना है दोस्तों हमारा जो कि इनर वाला वायर है, ये वाला इनर वाला, ये वाला इनर वाला दोस्तों हमारा आउटर वाला वायर है, देख सकते हो जो कि ये इन है, इधर से घूम घूम के इधर से आउट वाला वायर यहाँ से निकला है। तो सिंपल से एक कॉल का भी दोस्तों ये वाला आउटर वायर है। तो दोस्तों आपको सिंपल से ये वाला वायर के साथ ये वाला वायर आपको ज्वाइंट कर लेना है आउटर, जो कि ये दोनों सिर्फ यहाँ पे ज्वाइंट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों जो कि वाटर प्रूफ टेप ज्वाइंट को वहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास दो वायर बचता है। तो सिंपल से दोस्तों यही वाला प्रोसेसिंग दोस्तों हमारे स्टार्टिंग के साथ भी हमें करना है, जो कि लेफ्ट हैंड की तरफ से भी देख सकते ये वाला जो कि हमारा स्टार्टिंग वाला वायर निकला है इनर वाला, एंड ये दोस्तों हमारा आउटर वाला, सेम ये हमारा इनर वाला, ये दोस्तों हमारा आउटर वाला। तो सिंपल से दोस्तों हमें आउटर एंड आउटर जो कि ज्वाइंट कर लेना है, करने वाले दोस्तों जॉइंट को वहाँ पे जैसे कि जॉइंट के यहाँ पे हमें वाटरप्रूफ टेप एंड लगा देना है, ठीक है। अभी दोस्तों हमारे पास एक दो वायर बचता है जो कि स्टार्टिंग का, एंड दो वायर दोस्तों जो कि बचता है रनिंग का। अभी दोस्तों हमें कॉमन बनाना है। तो कॉमन कैसे बनाना है मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल से यहाँ पे बनाकर। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा स्टार्टिंग, ये दोनों है हमारा, एक स्टार्टिंग आएगा एक रनिंग, एक स्टार्टिंग एक रनिंग, चार वायर दोस्तों ऐसे घूम घूम के रहता है। जैसे कि ये स्टार्टिंग हुआ, ये रनिंग हुआ, स्टार्टिंग हुआ, ये रनिंग हुआ, ये दोस्तों ऐसे ही चारों कोने में चार मिलता है। तो सिंपल सा मान के चलिए ये हमारा स्टार्टिंग वाला वायर है, स्टार्टिंग वाला यदि मोटर को दोस्तों इधर घुमाना है तो ये वाले के साथ जॉइंट करना पड़ेगा, मोटर को दोस्तों यदि इधर घुमाना है तो इसको जॉइंट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा हमारा समरसेबल मोटर को इधर से इधर घुमाना है, तो सिंपल सा इसके साथ इसको जॉइंट कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों कॉमन होकर ये वाला दोस्तों हमारा ब्लू कलर का वायर, मतलब ब्लू कलर का वायर जॉइंट होगा, एंड यहाँ पे दोस्तों जो रनिंग वाला होगा उसमें दोस्तों हमारा रेड कलर का वायर जॉइंट होगा, एंड जो दोस्तों हमारा स्टार्टिंग होगा दोस्तों हमारा वाई यानी येलो कलर का वायर जॉइंट होगा। तो सिंपल सा इस टाइप का ये प्रोसेसिंग इसका जॉइंट होता है, यानी इधर से मैं आपको बना देता हूँ। जैसे कि ये वाला के साथ ये वाला आपको कॉमन बना लेना है, ये वाला के साथ ये वाला कॉमन होके जो कि ये वाला हमारा लगेगा ब्लू कलर का वायर यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे दोस्तों जो कि हमारा ये वाला, ये दोस्तों हमारा जाएगा रनिंग रनिंग के लिए जिसके रेड कलर का वायर, एंड यहाँ पे एक बचा हुआ है जो कि हमारा येलो कलर का वायर जॉइंट होगा। तो सिंपल से इसका वायरिंग ऐसे होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि वायरिंग कैसे होता है एंड वाइंडिंग कैसे होता है, वो तो मैं आपको पूरा प्रॉपरली बता दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए अभी मैं इसको जो कि कैसे चेक करते हैं ना, वो अभी हम चेक करके दिखाएंगे मोटर वाइंडिंग जो कि कहीं से वायर लीकेज तो नहीं हुआ है समर्सिबल मोटर। तो चलिए अभी हम आपको उसको दिखाते हैं। सो दोस्तों आपको कुछ स्टेप से जैसे कि हमने कनेक्शन किया हूँ आपको दिखा दिया हूँ, एंड नेक्स्ट दोस्तों फाइनल चेकिंग है, जो कि देख सकते हो एक वायर हमने जो कि पानी के अंदर डाल दिया हूँ और एक प्लग जो कि हमने यहाँ पे जो कि वायर के साथ टच किया हूँ, यहाँ पे देखते हो बॉडी शॉट बिल्कुल भी नहीं है। तो वायरिंग कैसे किया हूँ उसका, तो वो तो दोस्तों मैं डायग्राम के थ्रू आपको बना के दिखा दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हो स्टेप से आपको बांध लेना है फाइनल, तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो अभी हम दोबारा से आपको चेक करके दिखाते हैं। कुछ स्टेप से पानी भर लेना है इसके अंदर, पानी भरने के बाद आपको चेक करना है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा ऑलरेडी मेगर ऑन कंडीशन में दोस्तों डिजिटल वाला, मतलब ये थोड़ा बढ़िया वाला है। यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमारा मेगर जो कि एकदम एक्यूरेट बता रहा है, जो कि बॉडी शॉट बिल्कुल भी नहीं है। सो आप भी दोस्तों इस स्टेप से जो कि, सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया है कैसे वाइंडिंग करना है समर्सिबल मोटर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। यदि नेक्स्ट वीडियो देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी टाइप से यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो, एंड कोई डाउट है क्वेश्चन है तो आप इजीली कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। सो थैंक यू।